हेलो दोस्तों, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर, यानी कि यहाँ पे आपको सोल्व कराया जाएगा कि प्रीवियस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और अब उन पे बेस्ट कैसे क्वेश्चंस आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आता है दोस्तों, वो बेस्ट आता है कि प्रीवियस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं का ही क्या आता है, सिमिलर रूप आता है। वही अपन देखने जा रहे हैं कि पहले आरआरबी ने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन से आपका दोस्तों कि 3 की घात 10 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। किसको दोस्तों? 3 की घात 10 को। किससे विभाजित कर रहे हो आप? 8 से विभाजित कर रहे हो। 3 की घात 10 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? आपको नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम बताया जाता है कि यदि आपके पास कोई भी संख्या होती है, क्या दोस्तों, कोई भी संख्या होती है, उसमें किसी संख्या का भाग दे देते हैं तो शेषफल कितना आता है। यानी कि हर एक संख्या को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। इसकी घात कितना लिख दूंगा मैं, यानी कि मेरे पास 3 की घात 10 थी, उसको मैंने क्या लिख दिया, 3 स्क्वायर इंटू 5। 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 हो गया। लेकिन आपके पास कितना बन गया दोस्तों, यहाँ पे 9 बन गया। और 9 बनते ही आपको क्या याद आ गया कि भैया 8, 9 में जब 8 का भाग देते हैं ना, तो आपके पास शेषफल कितना बच जाता है? 1 बच जाता है। शेषफल कितना बच जाता है? 1 बच जाता है। कब? जब 8 का भाग देते हैं 9 में। और 1 की घात कुछ भी हो वही आता है। 1 की घात कुछ भी हो वही आता है। मीन्स आपके पास शेषफल क्या मिल गया? आपको 1 शेषफल मिल गया। और आपके पास वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यानी कि किसी का भी यदि आपको शेषफल निकालना हो, रिमाइंडर थ्योरम यूज करो और आप उसका क्या निकाल लो दोस्तों, शेषफल निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों आपका आरआरबी ने क्या पूछा गया है कि आपके पास कोई भी 2 बहुपद हैं, यानी कि मैं लिखता हूं आपके पास कि पी ऑफ एक्स, तो क्या था, आपके पास 2 बहुपद हैं और पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स दोनों का अनुपात पूछा है आपसे, यानी कि पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स पूछा है, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स पूछा है। पी ऑफ एक्स क्या है आपके पास? देखो आपको दिख रहा होगा कि आपके पास पी ऑफ क्या है, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 3 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। और आपके पास q ऑफ x क्या है दोस्तों? x प्लस 1 की घात 3, x प्लस 2 की घात 2 और x माइनस 3, x माइनस 3। देखो दोस्तों, x माइनस 3 से x माइनस 3 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ये आपके पास स्क्वायर है, ये आपका पास क्यूब खत्म हो जाएगा, ये आपके पास इससे ये चीज खत्म हो जाएगी। आपको ज्ञात करना था इनका अनुपात कब, जब x बराबर कितना हो आपके पास, 4 हो। इस बहुपद का x बराबर 4 पे अनुपात ज्ञात करना था दोस्तों, कुछ नहीं करना था, बस एक दूसरे में भाग लगा के x की जगह कितना रखना है, 4 रखना है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, इनका अनुपात मिल जाएगा। देखो 4 माइनस 3 करोगे तो 1 मिल जाएगा, लेकिन 4 प्लस 1 करोगे तो 5 और यहाँ पे 4 प्लस 2 करोगे तो 6। जैसे दोस्तों आप 4 प्लस 3 करते हो तो आपको कितना मिलता है, 1, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5 इंटू 6, मीन्स क्या हो गया दोस्तों, 1/30। 5 इंटू 6 30, यानी कि आपके पास क्या मिल गया इन दोनों का अनुपात, 1:30, 1:30 या 1/30। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। इसका भी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। बस आपने क्या किया कि जो भी आपके पास अनुपात थे उनको एक दूसरे से काट दिया, जो बचा वहां पे एक्स का वैल्यू पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा केयरफुली करना है, किनको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस कैसे करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस था। क्या था आपके पास क्वेश्चंस है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस था। 2, 3, 3, 4 को भाग देते हैं किसका, 33.1 का, तो कितना बचता है दोस्तों, 261 बार जाता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चंस आपका मैथ्स का नहीं है, बेसिकली रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है 23.34 में भाग देते हैं 3.31 का, तो आपके पास क्या बचेगा,
क्या इसका भाग देते क्या बचेगा। देखो दोस्तों उपकरण कितना था आपके पास 23 34, ये मैंने पॉइंट हटा दिया, कितने का भाग लगा दिया 100 का भाग लगा दिया, कितने का भाग लगा दिया 100 का। जैसे मैंने 100 का भाग लगाया मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों 2 3 3 4। अब यदि दोस्तों इसको मैं 10 से गुणा कर देता हूं मैं इस क्या लिख दूंगा, मेरे को ये चाहिए 33.1 चाहिए इंटू 10, ये 100 था उसका मैंने क्या 10 से तो गुणा इधर कर दिया और इधर कितना रख दिया केवल 10 रख दिया, इधर कितना रख दिया 10 रख दिया। अब आप इसका वैल्यू जानते हो, इसका वैल्यू कितना है आपके पास 261, इस चीज का वैल्यू कितना है आपके पास 261, और उसमें भाग किसका लगा देंगे 10 का भाग लगा देंगे। जैसे ही 10 का भाग लगाते हैं कितना मिलता है आपको एक पॉइंट लग जाता है, 10 का भाग लगाते हैं तो एक पॉइंट लग जाता है और आपको कितना मिल जाएगा 26.1। कौन सा है ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई सुपर किंग, जीत गई आपकी चेन्नई सुपर किंग। आगे देखो आपको दिया हुआ है त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है 1:2:3, कितना दिया है दोस्तों 1:2:3, और आपसे पूछा है सबसे छोटा कोण याद कीजिए। अरे आपके पास त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, मैं सी आप क्या कहोगे कि x+2x+, इनको मैं लिख देता हूं x और 2x और 3x, ये आपके कोण थे। आपने क्या लिख दिया 3x बराबर कितना होना चाहिए, सभी कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, तीनों को योग करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 6x बराबर कितना हो गया आपके पास 180 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री, कितना आ गया दोस्तों 30 डिग्री, क्योंकि 6 से कट जाएगा कितनी बार, ये 30 बार कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 30 बार, मीन्स x बराबर कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। जैसे ही आपके पास 30 डिग्री आया सबसे छोटा कोण क्या था आपका x ही था, मीन्स सबसे छोटा कोण क्या मिल गया आपको 30 डिग्री मिल गया दोस्तों, कितना मिल गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो फटाफट करो, छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास, जो 30 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 40 मिनट में खत्म करना चाहिए 30 क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन क्या है, 18 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, एक और प्रेक्षण शामिल करने पर नया माध्य क्या हो जाता है, यानी कि आपके पास 18 डेटा थे, 18 डेटा का जो आपके पास एवरेज था वो था 10, 18 डेटा का जो आपके पास एवरेज था वो कितना था दोस्तों 10 था, मैं से उसको x बराबर क्या लिख सकता हूं, मैं 18 × 10 मीन्स क्या लिख सकता हूं 180। और फिर आपसे क्या कहा है, इसमें एक और डेटा ऐड कर दिया जाता है, ये x छोटा x आपने जोड़ दिया, जोड़ने पे आपके पास पहले 18 थे अब कितने हो जाएंगे एक और आ गया 18 और एक हो गए आपके पास 19, और अब आपका जो एवरेज है वो कितना हो जाता है दोस्तों 11 हो जाता है, कितना हो जाता है 11, मीन्स इसको क्या लिख सकते हो आप x प्लस x 11 को 19 से गुणा करूंगा मैं कितना हो जाएगा 11 × 19, एक 19 19 का 9, एक 19 19 19 और एक कितना हो गया 20, कितना हो गया दोस्तों 20। अब आप x बराबर ज्ञात करना है आपको, यहां से आपके पास x बराबर कितना था, समीकरण एक से क्या लिखोगे x बराबर कितना था आपके पास कि 209 में से इस x का मान कितना है 180, यदि ये घटा दिए आप कितना बच जाएगा आपके पास 20, तो ये 9 ही कितना हो गया दोस्तों 29, कितना हो गया 29, यानी कि आपके पास जो 19वां प्रेक्षण था, आपके पास जो 19वां डेटा था वो कौन सा था 29, कौन सा था दोस्तों 29, कौन सा ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं दोस्तों, यो कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस इनको ऐसे नहीं करना है, और भी सोल्व कर सकते थे भाई, इतना ज्यादा है इसमें एक्स जोड़ा इतना हो जाता है। आगे करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन से आपका वापिस एवरेज के दो क्वेश्चन आए, देखो क्या लिखा है कि आपके पास 45 का क्या 45 आपके पास जो डेटा है उनका जो एवरेज है दोस्तों वो कितना है आपके पास 23 है। आपके पास कुछ डेटाओं का कुछ सम होगा, यानी कि जो एवरेज होता है दोस्तों आप क्या लिखते हो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि आपके पास 45 प्रेक्षण थे उनका योग क्या मान लिया x मान लिया, और उनका जो माध्य है या उनका जो औसत है वो कितना आ रहा है 23 आ रहा है। मैं इसमें x बराबर क्या लिख सकता हूं दोस्तों 23 × 45, यदि आप इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप फटाफट गुणा करो इसको, इधर कर लेंगे
इसकी स्पीड, ये तो इसकी स्पीड थी जब 3 घंटे 45 मिनट लग रहे थे। कितने लग रहे थे दोस्तों? 3 घंटे 45 मिनट लग रहे थे आपको जाने में, लेकिन आपसे कहा है कि अब 45 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, यानी कि जो आपके पास जो S2 है, S2 जो स्पीड होना चाहिए वो आपकी 60 किलोमीटर के लिए 3 घंटे लगना चाहिए। पहले 3 घंटे 45 मिनट लग रहे थे, अब 3 घंटे लगना चाहिए, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर हावर। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20 किलोमीटर पर हावर। दोनों में अंतर कितना है? कितनी स्पीड बढ़ाई? दोनों में अंतर कितना हुआ आपके पास? दोनों में अंतर कितना हुआ? 20 - 16 कितना हुआ? 4 किलोमीटर पर आवर का अंतर हुआ दोस्तों। कितने का अंतर हुआ? 4 किलोमीटर पर आवर का। यानी कि उसने यदि 4 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दिया जाए तो वो अब उसको कितना समय लगेगा? 45 मिनट कम लगेंगे। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों आपका? ये ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है। और क्वेश्चन कैसा है देखो तो फटाफट, आपको दिया है कि x² + 1/x² बराबर है आपका 5, और आपसे पूछा है x² + 1/x² बराबर क्या होगा। देखो दोस्तों, यदि आप देखते हो क्या, यदि आप जानते होंगे तो इसको जानते होंगे आप, यदि x + 1/x बराबर a होता है और x² + 1/x बराबर क्या होता है? a² - 2। यहाँ पे भी घात 2 थी, उसका क्या कर रहे हैं? स्क्वायर, उसकी दुगनी हो रही है दोस्तों, उसकी दुगनी हो रही है। तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। ऐसे लिख देता हूं मैं एक बार और, 5 का स्क्वायर - 2 यानी कि 25 - 2 कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा दोस्तों? 23। कितना इजी था, बस आपको ये याद होना चाहिए एलजेब्रा में। क्या याद होना चाहिए? ये चीज याद होगी तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आया है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, यदि ए और बी, यदि ए प्लस बी आपके पास दो कोण दिए हैं 90 डिग्री होता है, ए और बी कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री होता है, और इनका जो अनुपात है ए अनुपात बी है, ए अनुपात जो बी है वह 2:1 है। कितना है दोस्तों? 2:1। यानी कि आपके पास मैं क्या बोल देता हूं कि ए बराबर तो कितना होगा? 60 डिग्री होगा, और बी बराबर कितना होगा? 30 डिग्री होगा। भाई दोनों का योगफल कितना है दोस्तों? ऐसे कर लो चाहो तो, दोनों का योगफल 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 का वैल्यू कितना आपके पास? 90। मीन्स 1 का वैल्यू कितना होगा आपके पास? 30 डिग्री। तो आपके पास 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मीन्स आपके पास ए वाला कोण 60 डिग्री, ए वाला कोण कितना है? 60 डिग्री, और बी वाला कोण कितना है आपके पास? 30 डिग्री। आपसे पूछा है दोस्तों साइन ए अनुपात साइन बी, ए का वैल्यू कितना है आपके पास? 60 डिग्री। मीन्स साइन 60 साइन 60 रेसो साइन 30 पूछा है आपसे। देखो दोस्तों साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2। इससे ये कट गया, आपको कितना मिल गया दोस्तों? √3/1। कितना मिल गया? √3/1। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू याद होना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना होता है। साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों आपको? ऑप्शन नंबर एक मिल रहा है। ये सभी दोस्तों आपको जब ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो पढ़ाया था तो वहां जरूर जाके उसको देखें, वहां पे सभी चीजें बताई हुई है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और सब चीजें वहां मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपके पास, 3 संख्याएं हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, वो दिया है आपको दोस्तों 3:5, और उनका एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है दोस्तों? 35। कितना है? 35। और आपसे पूछा है एलसीएम। क्या पूछा है? एलसीएम। दोस्तों इससे पहले एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो जरूर देखें, जैसे देखोगे तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा आंसर कैसे निकालते हैं। वहां बताया था आपको कि जो भी आपका अनुपात होता है,
जो भी आपका अनुपात होता है उसको आप एचसीएफ से गुणा कर दोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। मीन्स आप क्या करोगे, 2 × 3 × 5 × 35। आपके जो एचसीएफ था उसको अनुपात से गुणा कर दोगे तो एलसीएम जरूर मिल जाएगा। और देखो दोस्तों, जैसे इसको आप गुणा करते हो, 35 दूनी कितना हो, या फिर ऐसे कर लो आप, 35 दूनी कितना हो गया आपके पास 70, और ये कितना हो गया 15, 7 15 105 कितना हो गया आपके पास 1050, कितना हो गया 1050, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इजी है, आपके पास दो संख्याएं दी हुई है, क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याएं क्या है, सम है, दोनों आपके पास एक्स एंड वाई क्या है, आपके पास सम संख्या है, क्या है दोस्तों, सम संख्या है दोनों ही, कौन कौन सी, एक्स और वाई, एक्स और वाई दोनों क्या है, सम संख्या है। यदि आप सम, आप देखो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कौन सा विकल्प विषम संख्या को डिनोट करता है, पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों एक्स प्लस वाई, सम प्लस सम क्या होता है, सम प्लस सम, सम ही होता है, सम प्लस सम, सम ही होता है, सम माइनस सम, सम माइनस सम भी क्या होता है दोस्तों, सम माइनस सम भी क्या होता है, सम ही होता है। और फिर कहा है आपसे एक्स प्लस वाई प्लस वन, सम प्लस सम, सम प्लस विषम क्या होता है दोस्तों, विषम मिलता है आपको, क्या मिलता है, विषम मिलता है, दो संख्याएं सम है, 2 + 2 उसमें एक जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगी, वह विषम संख्या मिल जाती है। दो सम संख्याओं में एक विषम संख्या जोड़ दी जाए या फिर एक जोड़ दिया जाए, हमेशा क्या मिलता है आपको, विषम मिलता है। मीन्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तीसरा। और कभी भी दोस्तों यदि एक सम संख्या या दोनों सम संख्याओं को गुणा किया जाता है आपस में तो हमेशा आपको सम संख्या मिलती है। मीन्स देखो दोस्तों आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार कुल माल के आधे को, कुल माल के आधे को यानी कि उसके पास कुल माल है ना, क्या कुल माल, मान लिया आपने क्या कि उसके पास जो कुल माल है वह एक्स है, क्या कुल माल कितना है, एक्स है, तो इसका मैं बोल देता हूं कि जो सीपी है वो भी क्या है मेरा, एक्स ही है, एक है इसका क्या बोलते हैं मूल्य, और वो कितना है आपके पास, सीपी भी कितना है, एक्स ही है। अब आपके पास एसपी आपको ज्ञात करना है, आपसे कहा है कि इसके आधे पर, इसके आधे पर मीन्स एक्स बाई टू पर क्या 40% का लाभ होता है, कितना होता है दोस्तों 40% का लाभ होता है, और आधे पर उसको वैसी रेट पर बेचता है ये, यानी कि आधे को तो उसी एक्स पर ही बेचता है, लेकिन आधे को 140 पर बेचता है जो 100 पे खरीदा था, यानी कि इस पर 40% का आपको फायदा हुआ जबकि इसको उसी पर बेचता है। दोस्तों इसको आप सोल्व करते हो कितना बन जाएगा, 1.4, और यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, तो क्या बोल दोगे आप 2 जैसे एलसीएम आएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 1.4 एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपके पास है 2.4 एक्स बटे 2। यदि दोस्तों इसको मैं डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 1.2 एक्स, कितना हो जाएगा 1.2 एक्स। आपको ज्ञात क्या, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, प्रॉफिट ज्ञात करना है। मीन्स आपके पास सीपी तो एक्स था लेकिन आपको एसपी कितना मिला 1.20 एक्स। प्रॉफिट परसेंटेज क्या लिखते हो आप दोस्तों, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 क्या हो जाएगा 1.2x माइनस x अपॉन x इंटू 100 क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास 1.2 में से आपके पास x जाएगा तो कितना बचेगा 0.2x इंटू x, x x कट गया इंटू 100 कितना हो गया आपके पास 20% कितना हो गया दोस्तों 20% कितना हो गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों क्वेश्चन जरूर देखे उसको फटाफट देखो। आपके पास था कि 112 व्यक्ति x दिनों में किसी काम को करते हैं, 12 दिनों में x आदमी किसी काम को करते हैं, अब उसमें कितने 8 व्यक्ति और आ गए, मीन्स 12 और 8 कितने हो गए आपके पास 20 हो गए, और इस काम को वह 60 दिन में कर देते हैं, तो आपके पास
जो x का मान है वो कितने हैं, मीन्स पहले आदमी कितने थे, क्या हो जाएगा आपके पास 12x बराबर 20 इंटू 60। ये कट जाएगा दोस्तों कितनी बार, 5 बार। 12 पंजे कितने हो गए आपके, 20 पंजे कितने हो गए आपके पास, 100। यानी कि पहले क्या थे, 100 आदमी थे पहले, क्या 100 आदमी थे, और उसमें 8 आदमी और जोड़, उसमें 100 दिनों में पहले उस काम को कर रहे थे, कितने दिनों में कर रहे थे दोस्तों, दिन थे ये आपके पास, क्या थे, दिन थे, कि पहले 12 आदमी किसी काम को 100 दिन में कर रहे थे, अब 20 आदमी उस काम को 60 दिन में कर रहे थे। आपने ये पढ़ा होगा M1 D1 H1 M2 D2 H2 W2। यानी कि आपके पास पहले क्या था, एक 12 आदमी थे, x दिन ले रहे थे, अब आपके पास 20 आदमी हो गए और 60 दिन ले रहे हैं, मीन्स 12x बराबर 60 इंटू 20 इंटू 60, 12 से कट गया 60 पांच बार, x बराबर कितना आ गया आपके पास, 100 दिन। दोस्तों इसके आगे जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको कल वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां तक यदि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हो और सभी क्वेश्चंस का पता लगा हो आपको कि कैसे कैसे आरआरबी में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पूरे ही पेपरों के सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे आपको यहां पर। थैंक यू दोस्तों।